सब्सक्राइब करें हमारे चैनल विक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जो क्लिक करिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रम गणपति, जो कि हम बहुत ही स्मॉल साइज़ के ये मैक्रम गणपति बनाने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमको चाहिए येलो कलर की कोड, रेड कलर की कोड, बीड्स और दो ब्लैक कलर के बीड्स आइस के लिए, साथ में बेल्स, लाइटर, सीजर एंड वन स्मॉल साइज़ की राउंड शेप की रिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में वन स्मॉल साइज़ की राउंड शेप की रिंग लेंगे और अब हम इस रिंग में टू येलो कलर की कोड्स को अटैच करेंगे और ये दोनों ही येलो कलर की कोड की साइज़ से 2.5 मीटर। तो यहाँ पर देखिए, दोनों ही कोड को अटैच कर देने के बाद अब हम यहाँ पर सिंपल पेस्क नोट को बनाएंगे और ये सिंपल पेस्क नोट को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि हम सेंटर में दो कोड को ही रखेंगे और जो साइड वाली एक एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कोड है उसे ही हम निकालेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड रहेंगे उसे राइट हैंड साइड से निकालेंगे और राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ्ट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे और ऐसा हमको कंटिन्यूसली करते जाना है, तो तब जाकर ये सिंपल पेस्क नोट हमारी बन पाएंगी। और यहाँ पर हमने टोटल 3 सिंपल पेस्क नोट को बना लिया है और अब हम इसके बाद एक्स्ट्रा की थर्ड वाली ये येलो कलर की कोड को अटैच करेंगे और एक्स्ट्रा की थर्ड वाली कोड की साइज़ से 2.5 मीटर। तो देखिए, इसे अटैच करने के लिए पहले हम इसे फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इसे लेफ्ट हैंड साइड की ओर इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद वैसे ही जैसे पहले हमने सिंपल पेस्क नोट को बनाया था वही तरीका यूज़ करते हुए यहाँ पर भी हम सिंपल पेस्क नोट को बनाएंगे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको 2 टाइम्स ही निकालना है। जो कोड है हमारी उसको हमको सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स निकालना है और हमने ऊपर जो है कंटिन्यूसली कोड को निकालते गए थे हम, इसीलिए इतनी लंबी साइज़ के हमारी सिंपल पेस्क नोट बन पाई है। तो देखिए, जिस तरीके से अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड में एक्स्ट्रा की कोड को अटैच करके नोट को बनाया है वैसे ही अब हम दोबारा फिर से राइट हैंड साइड में एक्स्ट्रा की कोड लेंगे, फोर्थ वाली एक्स्ट्रा की कोड जिसके साइज़ है 2.5 मीटर और उसे हम फोल्ड करके इस तरीके से रख कर सिंपल पेस्क नोट को बना लेंगे। तो इससे जो है हमारी थर्ड और फोर्थ वाली कोड इसमें अटैच हो चुकी है। अब देखिए, यहाँ पर हमारी दो सिंपल पेस्क नोट बन चुकी है। अब हम इसके बाद फिफ्थ वाली एक्स्ट्रा की कोड लेंगे, तो फिफ्थ नंबर की कोड है, इसकी साइज़ भी है 2.5 मीटर और इससे भी हम पहले जैसे हमने कोड को अटैच करा था वैसे यहाँ पर भी हम इसे अटैच करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में फोल्ड करके रखने के बाद नोट को सिंपल पेस्क नोट को इस तरीके से बनाने के बाद देखिए हमारी फिफ्थ वाली एक्स्ट्रा की कोड, अब हमारी फिफ्थ नंबर की कोड इसमें अटैच हो चुकी है। अब हम इसके बाद सिक्स नंबर की जो कोड रहेंगी, सिक्स्थ वाली कोड, उससे भी हम इसी तरीके से अटैच कर देंगे और इससे हम अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अटैच कर रहे हैं पर वही तरीका हमको राइट हैंड साइड में भी यूज़ करना है। राइट हैंड साइड में भी उसी तरीके से ही हम कोड को अटैच करेंगे। तो सेवन्थ और एट्थ वाली कोड जो कि राइट हैंड साइड में हम अटैच कर रहे हैं और इसकी साइज़ भी है 2.5 मीटर।
देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर सेंटर की फोर कोड लेंगे और सेंटर की फोर कोड की हेल्प से हम सेंटर में सिंपल पेस्क नोट को बना लेंगे। तो इस तरीके से टू टाइम्स हमको ये सिंपल पेस्क नोट को बनाना है और अब हम इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये नोट को बना लेंगे। तो जो अभी हमने सेंटर में नोट को बनाया है सिंपल पेस्क नोट को, उसकी दो कोड लेंगे और उसकी साइड वाली राइट हैंड साइड की दो कोड लेंगे। तो इससे टोटल फोर कोड हो जाएंगी और फोर कोड की हेल्प से हम इस तरीके से सिंपल पेस्क नोट को बना देंगे। अब यही तरीका हमको दोबारा लेफ्ट हैंड साइड में भी यूज़ करना है, सेंटर की जो नोट बनी हुई है उसकी दो कोड और लेफ्ट हैंड साइड की दो कोड, तो फोर कोड हो जाएंगी। तो ये सिंपल पेस्क नोट हमारी इस तरीके से बन जाएंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सेंटर में थ्री सिंपल पेस्क नोट को बना लिया है। अब हम इसके नीचे से फिर से सिंपल पेस्क नोट को बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड में बनाई, उसी तरीके से हमने राइट हैंड साइड में भी बना ली है। तो आप देख सकते हैं हमने इतने नोट्स सिंपल पेस्क नोट बना लिए हैं। अब हम इसके बाद पाइपिंग को बनाएंगे और ये पाइपिंग को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि हम लेफ्ट हैंड साइड की कोने की एक कोड लेंगे और ये इनसाइड वाली कोड को हम बाकी के सभी कोड के ऊपर रखेंगे। देखिए ये इनसाइड वाली ही कोड है हमारी जो हम ऊपर रख रहे हैं, फिर नीचे से एक कोड को लेंगे और ये इनसाइड वाली कोड के ऊपर से टू टाइम्स निकालेंगे और वन बाय वन करके हमको ऐसे करना है, नीचे से एक एक कोड को लेते जाना है और इनसाइड वाली कोड के ऊपर से टू टाइम्स निकालते जाना है, तो तब जाकर हमारी ये पाइपिंग होगी। तो फ्रेंड्स, हमने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से पाइपिंग बनाई जाती है। अब हम इसके बाद इसमें बीट्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक ग्रीन कलर के बीट्स लिए हैं जिसे हम यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। तो देखिए हम इनके बीच में दो दो कोड को भी छोड़ते जा रहे हैं और फिर हम बीट्स को अटैच कर रहे हैं। तो सभी बीट्स में आप देख सकते हैं कि हमने बीच में जैसे हमने इसमें लगाया है वैसे दो दो कोड को सब में वन बाय वन करके छोड़ दिया है। अब ये बीट्स हमारे अटैच हो जाने के बाद हम दोबारा फिर से पाइपिंग को बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दोबारा पाइपिंग को बनाने के लिए इस बार हम राइट हैंड साइड से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके हम इसे लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले गए और यहाँ पर हमारी बीट्स को अटैच करने के बाद वाली ये पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये पाइपिंग हमारी हो जाने के बाद अब हम नीचे से फिर से सिंपल पेस्क नोट को बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फर्स्ट लाइन में सिंपल पेस्क नोट को बना दिया है। अब हम दोबारा फिर से सेकंड लाइन में सिंपल पेस्क नोट को बनाएंगे। तो जो ऊपर की दो सिंपल पेस्क नोट है उसके ठीक नीचे सेंटर में एक नोट को बनाना है, एक सिंपल पेस्क नोट को बनाना है। तो देखिए ऊपर की जो दो सिंपल पेस्क नोट है उनकी दो दो कोड को ले लेंगे तो इससे टोटल फोर कोड हो जाएंगी और फोर कोड की हेल्प से हमारी ये सेंटर में नीचे इनके ये नोट सिंपल पेस्क नोट बन जाएंगी। तो इस तरीके से हमने सेकंड लाइन की ये सिंपल पेस्क नोट को इसमें बनाया है। अब हम ऐसे ही करते हुए थर्ड लाइन की सिंपल पेस्क नोट को भी बनाएंगे और साथ में फ्रेंड्स हमको इस बात का ध्यान देना है कि जैसे हम लाइन बाय लाइन करके नोट्स को बनाएंगे वैसे ही हमको इनके कोने की दो दो कोड को छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट लाइन के जैसे ही नोट्स बनाए उसकी दो कोड को हमने दो दो कोड को जो लेफ्ट हैंड साइड की कोड है और राइट हैंड साइड की दो कोड है उनको हमने छोड़ दिया है सेकेंड लाइन में। तो इस तरीके से हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये नोट्स को बनाना है और आप देख सकते हैं थर्ड लाइन की जो नोट्स हमने बनाई उसमें भी हमने दो दो कोड को छोड़ दिया। तो इस तरीके से ट्रायंगल के शेप में हमने सिंपल पेस्क नोट को और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सिंपल पेस्क नोट को बनाया है। अब देखिए लास्ट एंड में थर्ड वाली लाइन में आप देख सकते हैं हमने सिर्फ और सिर्फ दो नोट्स को ही बनाया है सिंपल पेस्क नोट को, इसलिए इसके बाद हमने इसमें एक रेड कलर के काटा बीट्स को सेंटर में अटैच करा है और फिर उसके नीचे हमने एक सिंपल पेस्क नोट को बनाया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये नोट्स को बना लिया है और अब हम इसके बाद इसमें पाइपिंग को बनाएंगे। तो ये पाइपिंग को बनाने के लिए अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की ओर से ये पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे और देखिए मैंने जैसे आपको पहले तरीका बताया था पाइपिंग के बनाने का वही तरीका यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे पाइपिंग को बनाने के लिए।
और जिस तरीके से अभी हम लेफ्ट हैंड साइड में पाइपिंग को बना रहे हैं, वही तरीका यूज़ करते हुए हम राइट हैंड साइड में भी ये पाइपिंग को बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो पाइपिंग है उसका शेप इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि हमने बीड्स को अटैच करा है, इसलिए पाइपिंग की जो साइज़ है नीचे की ओर वो बड़ी हो चुकी है। अब हमारी ये एक एक लाइन की पाइपिंग दोनों ही साइड में कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से हम दोबारा सेकेंड लाइन की पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए उसी के साथ जॉइन करते हुए बिना गैप के हमने यहाँ पर सेकेंड लाइन की पाइपिंग इसमें बनाई है, तो इससे थोड़ा आईब्रो का लुक भी इसमें दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर हम आगे की जो हमारी नीचे की ओर की पाइपिंग है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम 3 कोट कॉर्नर की छोड़ देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, और उसके बाद 4th वाली जो कोट रहेंगी उसमें हम बीड्स को अटैच करेंगे। तो ध्यान रखिएगा यदि आप जो जितने ही कोट छोड़ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में उतनी ही राइट हैंड साइड में भी छोड़िए, इससे आइस हमारी जो लगेंगी इसमें ब्लैक कलर के बीड्स जो लगेंगे वो प्रॉपर शेप में दिखेंगे। यदि एक कोट भी कम ज़्यादा होती है तो इसमें जो आइस का जो शेप है वो परफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि एक आँख छोटी और एक आँख बड़ी दिखेंगी। इसीलिए हमको जितने ही कोट हम लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ते हैं उतने ही राइट हैंड साइड में भी छोड़नी चाहिए। तो दोनों को हमको इक्वली लेकर जाना पड़ता है, तभी जाकर हमारी ये आइस जो है वो प्रॉपर शेप में बन पाती है। तो ये जो है अभी डिज़ाइन में मैंने आपको बताया, लेकिन आप कभी कोई और भी डिज़ाइन बनाएंगे तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो दोनों ही साइड है वो बराबर इक्वली आप इसमें लेकर चले। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आइस बन चुकी है। अब हम इस तरीके से राइट हैंड साइड में बना रहे बीड्स को अटैच करने के बाद अब हम पाइपिंग को बना रहे हैं, और ये जो पाइपिंग है हम सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों ही साइड में, और सेंटर से स्टार्ट करके इसे राइट हैंड साइड की ओर ले गए हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में भी सेंटर से स्टार्ट करके लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले गए हैं। अब यहाँ पर दोनों ही आइस हमारी कंप्लीट हो जाने के बाद पीछे की ओर जो हमारी ये एक एक कोड है येलो कलर की कोड कॉर्नर की उसको हम ले लेंगे, और उसकी हेल्प से हम इस तरीके से इनको फोल्ड कर दें। हल्का सा हमको थोड़ा सा पीछे की ओर इस तरीके से मोड़ना है, और मोड़ने के बाद जो पाइपिंग वाली नोट्स हम बनाते हैं वही नोट्स को हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पाइपिंग वाली जो नोट्स रहती है वही बना रहे हम, और अब हम इसी तरीके से लाइन बाय लाइन करते हुए पाइपिंग को बनाते जाएंगे। तो अब देखिए पीछे की ओर हमने बना ली है, अब ये पीछे की ओर बनाने के बाद अब हम आगे की ओर बनाएंगे। और देखिए पीछे की ओर हमने पूरा इसे फोल्ड नहीं करा है, पर थोड़ा सा फोल्ड करा है, और सिर्फ 2 सिंपल बेसिक नोट बनाई है, हमने ज़्यादा नहीं बनाई है, ताकि ज़्यादा बनाएंगे तो ये और मुड़ जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसीलिए हमने इसे बस पीछे की ओर थोड़ी सी नोट बनाई है और इतना हमने इसको घुमाए हैं। अब हम आगे की ओर भी पाइपिंग कर रहे हैं, और आगे की ओर पाइपिंग देखिए हम इस तरीके से करते जाएंगे। पाइपिंग का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन अब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि ये जो हमने कोड ली है पीछे की ये कोड, जो भी सामने हम ऊपर ये सभी कोड के ऊपर जो कोड को रख रहे हैं वो हमारी इनसाइड वाली कोड है, दिखेंगे नहीं, ये अंदर ही रहती है, इसीलिए हम इसे इनसाइड वाली कोड बोलते हैं। अब हम इसके बाद ये जो इनसाइड वाली कोड रहेंगे उससे बाकी के सभी कोड के ऊपर रख रहे हैं, इसीलिए हम नीचे से एक कोड को लेंगे और ये इनसाइड वाली कोड के ऊपर से हम 2 टाइम्स निकालेंगे, और 1 बाय 1 करके ऐसे ही करते जाएंगे। नीचे से कोड को लेंगे और इनसाइड वाली कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालते जाएंगे, तो तब जाकर हमारी ये पाइपिंग होगी। और इस तरीके से यहाँ पर हमारी फर्स्ट लाइन की पाइपिंग सामने बन चुकी है। अब देखिए फर्स्ट लाइन की पाइपिंग बन चुकी है, अब हम यही पाइपिंग को दोबारा घुमाएंगे। तो ऐसा कंटिन्यूसली हमको पाइपिंग को बनाते जाना है, और इस बात का हमको ध्यान देना है कि अब जितनी भी लाइन की पाइपिंग होगी उसमें ये जो पीछे की नोड रहेंगी वो पड़ते जाएंगी। तो आप देखिए ऊपर की जो नोड है वो कम है,
अब नीचे की जो सेकंड लाइन की पाइपिंग हम बना रहे हैं उसके नोट थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हमको मोड़ना है और मोड़ेंगे तो नोट्स ज़्यादा बनेंगे, तभी जाके मोड़ेंगे। इसीलिए जो सेकंड लाइन की पाइपिंग रहेंगे उसके नोट्स पीछे की ओर ज़्यादा बनेंगे, और जैसे ही लाइन बाय लाइन करके थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और जैसे ही ये लाइन बाय लाइन हमारी पाइपिंग होंगी वैसे ही हमारे पीछे के नोट्स भी बढ़ते जाएंगी, और ये जो पीछे वाला पार्ट है वो और मुड़ता जाएगा, मतलब और फोल्ड करते जाएंगे हम इसे, ताकि ये जो शेप है हमारा सून का शेप वो अच्छे से इसमें बन पाए। अब आप देख सकते हैं इतनी साइज़ हमने इसकी पीछे नोट्स की इंक्रीज करी है। अब फिर से वही पाइपिंग को आगे घुमाएंगे और फिर सामने वाले पार्ट से लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड लाइन की पाइपिंग हमने इतनी आधी कंप्लीट कर दी है, और जो बीच की दो कोट थी हमारी वहाँ पर हमने इसे कट करा है, लाइटर की हेल्प से ने पीछे इस तरीके से स्टिक कर दिया है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके बीच में थोड़ा गेप भी हो, और अभी जो हम एक्स्ट्रा की कोड अटैच कर रहे हैं रेड कलर के एक्स्ट्रा की कोड, वो इसमें अटैच हो जाए और इसकी पाइपिंग भी हमको नज़र आए, इसीलिए हमने कोड को अटैच कराया है। तो ध्यान रखिएगा सेंटर में ही इसे अटैच करना है, और यदि आप सेंटर देखना चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड की कोड गिन लीजिए और फिर राइट हैंड साइड की गिन लीजिए। तो लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड के कोड आप गिन लेने के बाद इसमें आप आसानी से पता कर सकते हैं कि सेंटर की कौन से नंबर की कोड है। तो इस तरीके से आप सेंटर के कोड को पता करिए, फिर उसको दो कोड को कट करिए, और फिर इस तरीके से एक्स्ट्रा की रेड कलर की कोड को इसमें अटैच कर लीजिए। और यहाँ पर हमारी एक्स्ट्रा की जो रेड कलर की कोड है उसकी साइज़ है 1 मीटर। तो ये अटैच हो जाने के बाद फिर से हम आगे हमारी पाइपिंग को कंटिन्यू करेंगे। जो ये येलो कलर की कोड की पाइपिंग है उसको हम आगे बनाते जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, जैसे हम राउंड बाय राउंड करके पाइपिंग को बनाएंगे वैसे ही हमको देखिए जो सेंटर की जो रेड कलर की कोड हमने अटैच करी है उसकी भी पाइपिंग हम बीच में लेते जाएंगे। तो देखिए हमको सेंटर में रेड कलर की कोड की पाइपिंग दिखाना है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में येलो कलर की कोड की पाइपिंग को हमको दिखाना है। अब यहाँ पर थर्ड लाइन की पाइपिंग बन रही है, इसलिए पीछे देखिए आप, देखिए हम पीछे नोट्स की साइज़ भी इंक्रीज करें, नोट्स पीछे एज़ कम्पेयर टू 12 और फर्स्ट लाइन की नोट्स से कंपेयर करके हम यहाँ पर ज़्यादा नोट्स को बना रहे हैं और ज़्यादा इसे फोल्ड कर रहे हैं। अब हम फिर से वही पाइपिंग को घुमा देंगे और फिर दोबारा फिर से इस तरीके से ये आगे हमारी पाइपिंग को बनाएंगे। अब ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने पीछे इस तरीके से हमारी नोट्स पढ़ते गई है, और जो साइज़ है फोल्ड करी हुई साइज़ वो भी पढ़ते गई है। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम पीछे नोट्स को लाइन बाय लाइन करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएंगे, वैसे ही यहाँ पर हमने बना लिया है, और इतनी हमारी ये नीचे पाइपिंग भी बन चुकी है। और आप देख सकते हैं सेंटर में भी रेड कलर की कोड की ये पाइपिंग हमारी आ रही है, और देखिए यहाँ पर हमने टोटल 1 2 3 4 5 और 5 लाइन हमने ऐसे ही बनाई है, और जो 6 लाइन ये जो पाइपिंग के बना रहे हैं उसमें ही हम कोड को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक येलो कलर की कोड को कट करेंगे और लाइटर के हेल्प से इन्हें पीछे इस तरीके से स्टिक कर देंगे। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो हम सून का पार्ट बना रहे हैं उसमें ये जो पाइपिंग है वो कम होते जाए, डिक्रीसिंग ऑर्डर में बनते जाए, इसीलिए हम इसमें कोड को कट करेंगे। और ध्यान रखिएगा गलती से ये जो इनसाइड वाली कोड है उसको ना कट करें,
जो हमारे पीछे की नीचे वाली जो कॉर्ड रहती है उसको हम एक कॉर्ड को कट कर देंगे। तो हम उसको कहीं से भी कट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो पीछे से कट करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पीछे से हम एक कॉर्ड को कट कर देंगे और फिर पाइपिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पाइपिंग बन पाए। अब देखिए हर एक लाइन में हम ऐसे ही करते जाएंगे, एक एक कॉर्ड को कट कर देंगे और फिर पाइपिंग को आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो देखिए ज़्यादातर हम पीछे वाला पार्ट ही यूज़ करेंगे इसको कट करने के लिए, ताकि सामने वाले पार्ट में कोई भी हमको ऐसे दिखे ना कि कॉर्ड यहाँ पर कम है। तो पीछे वाला ही लीजिए और इस तरीके से पाइपिंग को बनाइए। अब देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हमारी पाइपिंग बनते जा रही है और इस ऊन का जो पार्ट है वो भी अच्छे से बन पा रहा है। और ये पाइपिंग बन जाने के बाद आप देख पाओगे कि ये जो सून का जो पार्ट है वो घूम भी जाएगा, तो ये अपने आप घूम भी जाएगा, क्योंकि जैसे हम पाइपिंग को बना रहे हैं ये जो कड़क बन जाती है पाइपिंग से, और ये कड़क हो जाने के बाद हम इसे कहीं भी घुमा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की ओर भी और राइट हैंड साइड की ओर भी। तो इससे जो है हमारे सून का पार्ट भी इसमें अच्छे तरीके से दिखेगा। और अब हम यहाँ पर कंटिन्यूसली पाइपिंग को बना रहे हैं और साथ में हर एक लाइन में हम कॉर्ड को भी एक एक कॉर्ड को कट करके लाइट के लिए स्टिक भी करते जा रहे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी इतनी डिक्रीजिंग ऑर्डर में पाइपिंग बन चुकी है और अब जितनी भी कॉर्ड यहाँ पर बच चुकी है उसे हम इस तरीके से कट कर देंगे। और कट करने के बाद लाइटर की हेल्प से भी अंदर की ओर स्टिक कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी इसमें हम अंदर कॉर्ड को रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी पाइपिंग कड़क है और बहुत ही छोटा सा गैप है, इसीलिए हमने कॉर्ड को इसमें अंदर रख दिया है। तो ये बाहर भी नहीं आएंगे कॉर्ड, क्योंकि पाइपिंग जो नीचे की है बहुत ही छोटा सा गैप है इसमें, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से कॉर्ड को इसमें रखा है। और टोटल हमारी इतनी लाइन की ये पाइपिंग कम्प्लीट हो चुकी है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितनी पाइपिंग की साइज़ लेना है। यदि आपको पाइपिंग की जो साइज़ है वो ज़्यादा लेना है तो कॉर्ड को, जो मैंने एक कॉर्ड को कट करना आपको बताया था, वो बाद में स्टार्ट करिए, तो इससे पाइपिंग की साइज इंक्रीज हो जाएंगी। और कभी आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं जैसे अभी हमने बनाया, तो आप वैसा ही तरीका यूज़ करते हुए इतनी लाइन की पाइपिंग भी इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल 17 to 18 टाइम्स इसी तरीके से पाइपिंग को बनाया है। और अब आप देख सकते हैं हमने ईयर जो ये बनाया है वही ईयर अब हम दोबारा दूसरी साइड में बना रहे हैं। तो ईयर को बनाने के लिए हम 8-8 येलो कलर की कॉर्ड दोनों ही साइड में अटैच करेंगे। तो 8 येलो कलर की कॉर्ड लेफ्ट हैंड साइड में, 8 येलो कलर की कॉर्ड राइट हैंड साइड में। तो इन्हें अटैच करना है और सभी 8-8 येलो कलर की कॉर्ड की साइज़ है 1 मीटर। तो जहाँ पर आप ये गैप देख रहे हैं वहीं पर ही हमको इन कॉर्ड को अटैच करना है। तो देखिए कॉर्ड को अटैच कर देने के बाद अब हम यहाँ पर सिंपल बिस्किट नॉट को बनाएंगे। तो जो तरीका मैंने आपको सिंपल बिस्किट नॉट को बनाने का बताया था, बस वही तरीका यूज़ करते हुए यहाँ पर भी हम बनाएंगे। और यहाँ पर जो हम सिंपल बिस्किट नॉट बनाएंगे उसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही ये सिंपल बिस्किट नॉट को बनाना है। Thank you.
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 8 कोड थी और 8 कोड यहाँ पर हमने अटैच की है, इसीलिए इसमें हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लाइन है उसमें 4 सिंपल बेसिक नोड हमारे बने हैं। अब हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना रहे हैं, इसीलिए हम इनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कॉर्नर की दो दो कोड को छोड़ देंगे ताकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी नोड्स इसमें बन पाए। अब 4 सिंपल बेसिक नोड बन गए, इसीलिए अब हम इसके बाद 3 सिंपल बेसिक नोड बनाएंगे, 3 के बाद 2 एंड देन 1। तो इस सिक्वेंस से हम सिंपल बेसिक नोड को बनाएंगे और साथ में हर एक लाइन में कॉर्नर की दो दो कोड को छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये 4 लाइन सिंपल बेसिक नोड की बन चुकी है। अब हम इसके बाद पाइपिंग को बनाएंगे और ये पाइपिंग को बनाने के लिए हम कोने से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ से पाइपिंग को हमने स्टार्ट करा है और ये पाइपिंग को हम कंटिन्यूसली ले गए हैं इसके नीचे वाले पार्ट में। तो इस तरीके से एक लाइन की पाइपिंग हमारी बन चुकी है। अब हम इसके बाद 1 मीटर की रेड कलर की कॉर्ड लेंगे, उसे लाइटर के हेल्प से हम पीछे इस तरीके से स्टिक कर देंगे और इसे पीछे स्टिक कर देने के बाद अब हम यहाँ पर रेड कलर की कॉर्ड की पाइपिंग को बना। और फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में हमारी बताया था कि जो कलर की पाइपिंग हमको चाहिए रहती है उस कलर की कोड को हमेशा नीचे रखा जाता है, तब जाकर ही उस कलर की कोड की पाइपिंग हमारी इसमें बन पाती है। तो यहाँ पर भी वही तरीका है, हमको रेड कलर के कोड की पाइपिंग चाहिए, इसीलिए हम रेड कलर की कोड को येलो कलर की कोड के नीचे रखेंगे। फिर नीचे रखने के बाद रेड कलर की कोड को ही 2 टाइम्स निकालेंगे हर एक येलो कलर की कोड के ऊपर से, तो तब जाकर हमारी रेड कलर की कोड की पाइपिंग होगी। तो यहाँ पर हमने ये कंटिन्यूसली रेड कलर की कोड की पाइपिंग इसमें बनाई है और ये जो पाइपिंग है उसे हमने नीचे की ओर से बनाना स्टार्ट किया है और नीचे से ले जाकर हमने इसे इस तरीके से ऊपर की ओर ये पाइपिंग को ले गए हैं। अब ये रेड कलर की कोड की पाइपिंग बन जाने के बाद दोबारा हम फिर से सिंपल 1 लाइन की पाइपिंग बना लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर हम 4 कोड को कट करेंगे। 4 कोड को कट कर देने के बाद इसमें हम अब बेल्स को अटैच करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 2 मतलब कोड ही लेना है हमको, 2 बेल्स ही लेना है और 4 कोड लेना है। तो ये दो दो बेल्स को हम दोनों ही साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अटैच, और जितनी भी कोड्स हमारी बाकी की बच जाएंगी उसे हम कट कर देंगे सीजर की हेल्प से, लाइटर की हेल्प से पीछे स्टिक कर देंगे। तो अब देखिए बेल्स हम अटैच कर रहे हैं, तो 1 कोड में 1 बेल्स को रखेंगे, फिर साइड वाली कोड लेकर लाइटर की हेल्प से दोनों को ही स्टिक कर देंगे। अब हम इसी तरीके से 2 बेल्स को भी इसमें अटैच करेंगे और यहाँ पर हमने दोनों ही साइड में 2 बेल्स को अटैच कर दिया।
देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने आपको गणपति बनाया है वो मेकरम किचन स्मॉल साइज के सिंपल गणपति जी यहाँ पर हमने इसमें बनाया है। और कभी आपको वॉल हैंगिंग गणपति जी बनाना है तो आप हमारे चैनल को ओपन करके हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हमने वॉल हैंगिंग गणपति जी बनाया है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और हम आगे भी इसी तरीके से न्यू डिज़ाइन वॉल हैंगिंग गणपति जी की बनाने वाले। ये तो हमने स्मॉल ही बनाया है, लेकिन अभी हम बड़े साइज़ के गणपति जी भी इसमें बनाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही डिफरेंट न्यू डिज़ाइन के यूनिक वीडियो डालेंगे। और अभी हमने स्मॉल साइज़ की चेन मेकरम गणपति जी की ये अभी बनाई है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है जिससे आप बहुत ही कम समय में आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर बनाइए। और साथ में यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। और साथ में हमारे चैनल मेकरम आर्ट क्रिएशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड कमेंट करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।